थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा धमाल, झलक के मंच पे एक बार फिर से इसी अंदाज में आएंगे मनीष पॉल। एक मिनट को बात बताएं, जब मैं खड़ा हूं तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? आपको पता है जब मैं खड़ा होता हूं मैं किसी को बोलने नहीं देता और मेरे सवाल कोई नहीं बोल सकता। एक्चुअली यहां पर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं, बट अगर आप चाहें तो आप माइक अपने हाथ में ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं हाँ, आप रिपोर्टिंग करें लेकिन माइक मैं पकड़ लूं। जी जी, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मनीष, मैं ये जानना चाहूंगी कि झलक के मंच पर इस बार कितनी मस्ती, कितना धमाल होने वाला है, क्योंकि जब भी आप होते हैं तो मस्ती और धमाल का कॉम्बिनेशन तो हर किसी को देखने मिलता है। चलो यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को जो भी मैं करता हूँ वो मस्ती और धमाल लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बार झलक इज नॉट ओनली झलक, इट्स झलक रीलोडेड। तो खूब सारा मजा है। हमारा जजेस पैनल जो है वो पूरा नया है, शाहिद अलग एनर्जी लेके आए हैं, करण सर और मेरी एक अलग टाइमिंग चलती रहती है, गणेश सर बीच में जुड़ गए हैं और साथ में लॉरेन है। तो आप सोच सकते हैं जब हम पांचों मिल जाएंगे तो कंटेस्टेंट्स की बेचारों की क्या हालत होने वाली है। मतलब वहाँ से स्ट्रिक्ट कमेंट्स भी आएंगे, यहाँ से लेग पुलिंग भी होगी, उन्हें डांस का भी ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स वन बिग पार्टी एंड वी हैविंग अ ग्रेट टाइम। मतलब इस सीजन का सिर्फ लेवल नहीं बढ़ा है, डांस का लेवल नहीं बढ़ा है, मस्ती और धमाल का लेवल भी बढ़ चुका है। एब्सोल्युटली, देखो मेरे हिसाब से एक शो जो होता है इट्स नॉट ओनली कि अगर डांस है तो सिर्फ डांस का रहे। आई थिंक सब लोग होते हैं जो मिलके एक शो को बनाते हैं, तो उसमें जजिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, होस्टिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेस्टेंट्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इन सबका मिश्रण बन के बनता है झलक रिलोडेड। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अकेले ही हैं इस पूरे सीजन को होस्ट करने के लिए? कोई और होना चाहिए था यार। पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक इतनी सारी गिव एंड टेक हम लोगों की चल रही है करण सर के साथ, शाहिद के साथ। शाहिद बड़े कमाल है यार, मतलब वन लाइनर टकाटक चल रहे हैं शाहिद और मेरे, वहाँ से गणेश सर ऐड हो जाते हैं, तो आई थिंक वो कमी अभी तक तो नहीं लग रही है। और कंटेस्टेंट्स भी बड़े मज़ेदार हैं, तो ऐसा कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ और शाहिद बोल रहे हैं तो शाहिद ही बोल रहे हैं, जिसका मन करता है वो बीच में बोल लेता है, तो आई थिंक हम इन्जॉय कर रहे हैं। मनीष, इस बार डांस का जो लेवल है वो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप वहाँ पर हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, तो आप अपने टेलीमसाला के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार डांस का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, कंटेस्टेंट किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आँखों देखी हाल जो है वो अपने दर्शकों को? मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, सब कंटेस्टेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आपने अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं की होगी या अपने फाइनल टेस्ट के लिए नहीं की होगी। मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ, भैया पहला एपिसोड है, टेक इट ईजी, बट पूरी जान लगा रखी है। ये पहली बार है मेरे ख्याल कि झलक के फर्स्ट एपिसोड में किसी की रिब में लगी है, जैसे कि ये लड़की, ये सनाया, इसके चोट लगी हुई थी, कविता, ये कविता, इसके ब्रूजेज आए हुए थे, ये पहले पहले एपिसोड में हाल है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी बहुत सारे एपिसोड्स हैं तो बाद में चोटें लगवाना, ये हालत। ओह माय गॉड। लेकिन जैसे कि कंटेस्टेंट जो है वो डांस का अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार माधुरी नहीं है परफेक्ट वाला कमेंट देने के लिए, तो उन्हें कितना मिस? उनको तो मैं बहुत मिस करूंगा, माधुरी जी को, उनका पल्लू, उनकी मस्ती। और माधुरी जी और मैं ना ऑफिस भी बड़ी मस्ती करते थे, हम लोग बैठ के ड्राइंग करते थे, मैं उनको ड्राइंग करके दिखाता था और वो जानती है मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, जब मैं ड्रॉ करता हूँ कमाल करता हूँ, तो वो कभी उनसे पर्सनली आप बात करेंगे तो पूछिएगा, बट डेफिनेटली एवरीबडी इज़ मिसिंग। लेकिन मनीष, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस बार आप लक्की तो हैं, भले माधुरी जी आपके साथ में नहीं है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल जो कंटेस्टेंट हैं, अगर हम स्पेशली बात करें फीमेल कंटेस्टेंट्स की, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, फीमेल कंटेस्टेंट हैं भी ज़्यादा, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स कलर्स, आई लव यू। अब ज्यादा अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा यार, झलक रिलोडेड है, खूब सारा मजा लेके आ रहे हैं, नए जजेस हैं, हम लोग हैं, आप लोग मजा करें, इन्जॉय करें, खूब सारा प्यार दें। मेरा दोस्त विवियन डिसेना, उसको भी खूब सारे वोट देना, वो यहाँ से मुझे बोल रहा है, यहाँ से कविता भी बोल की गई है, सनाया भी बोल की गई है, हम सबको प्यार दो, वी मेक श्योर दैट योर वीकेंड इज गोना बी सुपर ब्लडी रॉकिंग। हाय, दिस मनीष पॉल एंड डू सब्सक्राइब टू टेली मसाला।